मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप लोग डेफिनेटली काफी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं और हमारी टीम भी अच्छी है। आप लोग कंटिन्यूअसली काफी अच्छे कमेंट हमारे को लिख के देते हैं, उससे हमारे अंदर काफी पॉजिटिव एनर्जी एंड मोटिवेशन डेवलप होती है और ज्यादा से ज्यादा अच्छे वर्क करने की जो है मोटिवेशन मिलती है। अब जो चैप्टर है, उस चैप्टर का कई सारे वीडियो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी काफी सारे बने हुए हैं और ये वीडियो बने हुए हैं, उस वीडियो में जो है एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी इलुस्ट्रेट किया गया है। तो बस करना क्या है कि आपको उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो लिंक है बस उस लिंक को आपको जो है क्लिक करना है और फिर आप उसे पढ़िए, उसे पूरी तरीके से समझिए और करिए। इसी तरीके से एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, उसका भी मैं लिंक वहां पे प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि आप एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस में जहां जहां दिक्कत आपको आएगी तो आप सॉल्यूशन को रेफर कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि वही की, और पहले मैं बताता रहता हूं कि पहले आप एक हार्ड अटेम्प्ट लीजिए, हार्ड अटेम्प्ट लेने के बाद जो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसका काफी एक अच्छा अटेम्प्ट लीजिए। अटेम्प्ट लेने का यदि दिक्कत आती हो तब जाकर के आप सॉल्यूशन को देखिए। सॉल्यूशन देखने का तो हो सकता है कि पार्शियल सॉल्यूशन देखें या फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो ऐसे करना है, यानी कि पूरे सॉल्यूशन को देख लेना है। अब पढ़ने का तरीका मैं कई दफे बता चुका हूं भाई कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कि आप वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनिए, अपने साथ रजिस्टर रखिए, आप वीडियो लेक्चर को थोड़ा ब्रेक कर करके देखिए कि भाई कि इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर उसे खुद अपने से समझ करके लिखिए अपने रजिस्टर में एंड देन आगे प्रोसीड कीजिए, राइट। तो ये तरीका होता है यहाँ पे पूरे वीडियो लेक्चर को अच्छे से करने का, ताकि आपको उसका एक प्रॉपर आउटपुट आपको मिलेगा, आपको लगेगा हाँ भाई ये टॉपिक मेरे को पूरी समझ में आ गई है, तो ये वाली बात है। तो डिटरमेंट का लिंक कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में, एक तो ये बात हो गई। साथ में आप देखेंगे कि ऊपर भी जो है जिसमें आई लिखा रहता है कि ये टॉपिक है, तो उसको भी आप क्लिक करेंगे तो उसमें भी आपको डिटरमेंट का लिंक मिल जाएगा, उसके पूरे वीडियो लेक्चर्स का भी लिंक मिलेगा और रिलेटेड जो भी आपका लिंक है डिटरमिनेंट्स रिलेटेड जो आपका एक टॉपिक है उसका मिलेगा। और इसी तरीके से एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है उसका भी आपको लिंक मिलेगा, राइट। तो जरूर से कीजिए, जितना ज्यादा कर सकते हैं उसको अच्छे से कीजिए, समझिए, राइट। अच्छा, अब एक और बात है, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, ताकि जितना ज्यादा हो सके हमारा काम लोगों तक पहुंच सके, राइट। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग अगला कॉन्सेप्ट अब डिस्कस करने जा रहे हैं। रजिस्टर निकालिए, पेन निकालिए, राइट। जो पढ़ने का मैंने तरीका आपको बताया उस तरीके को फॉलो कीजिए कि क्या एग्जैक्ट तरीका है। लेक्चर जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं उसे इन वन को नहीं देखना है, बल्कि ब्रेक कर करके समझ समझ करके अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम यदि मैं सॉल्व करवा रहा हूं तो ये नहीं कि प्रॉब्लम आप देख लेंगे कि हाँ सर ने ऐसे करा दिया, नहीं, आप उस प्रॉब्लम को आगे सॉल्यूशन देखने के पहले पहले खुद आप अपना माइंड अप्लाई कीजिए कि उसे कैसे क्रैक करेंगे, उसका अप्रोच क्या होगा, राइट। अब फिर उसके बाद आगे फिर हमारे लेक्चर के अकॉर्डिंग प्रोसीड कीजिए, ब्रेक कर करके, तोड़ तोड़ के। तोड़ने का मतलब है कि ये नहीं कि इन वन को देखना, बल्कि थोड़ा सा देखा, फिर समझा, फिर अपने दिमाग में उसे एस्टैब्लिश किया और फिर उसे लिखा भी, फिर आगे प्रोसीड किया, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं लेक्चर आगे।